माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डिफ्रैक्शन का ही टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लेट का जो क्वेश्चन लिया था, और इसमें रिलेटिव इंटेंसिटीज के लिए मैंने जो रेशियो निकाला था, उस क्वेश्चंस का आज मैं आपको एक फिर से थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। क्वेश्चन था कि डिस्कस द फिनोमेना ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लेट एंड शो दैट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ ए सक्सेसिव मैक्सिमम द आर 1:4/9π² 2:4/25π² 2:4/49π² ये हमें रेशियोज निकालने हैं। इस पिछले वीडियो में मैंने आपको आई इंटेंसिटी, जो आई का फॉर्मूला था, वो निकाला था वेक्टर्स पॉलीगॉन मेथड की हेल्प से, राइट। और इसी में मैंने सेंट्रल मैक्सिमम भी आपको बताया था कि सेंट्रल मैक्सिमम जो है दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट, जो कि सेंट्रल मेरा मैक्सिमम हो जाता है। और इसी से आगे मैं अब इससे कंटिन्यू करूंगा, तो मैं इक्वेशन नंबर 4 को लूंगा। दिस इक्वेशन नंबर जो मेरी 4 है, इसको मैं दोबारा से कंसिडर करूंगा, राइट। तो इक्वेशन नंबर 4 जो मेरी है, इसमें मैंने जो आई की वैल्यू निकाली है, दैट इज योर आई, आई जो है मेरा द इक्वेशन नंबर 4 में आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर, ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 थी, राइट। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है आपका मैक्सिमम की इक्वेशन है, मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी की है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएट द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड इक्वेट इट टू जीरो, मैं जीरो के इक्वेट कर दूंगा। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, डी आई ओवर आपका डेल अल्फा, दिस इज योर डेल, डेल अल्फा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस आई नॉट साइन अल्फा ओवर अल्फा, अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू जीरो, राइट। आइदर साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू द जीरो, आइदर दिस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, और अल्फा कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल, यानी कि दिस टर्म बिकम्स अ जीरो, अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो जाए मेरा, या अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू द जीरो, राइट। द इक्वेशन, इन द इक्वेशन इफ साइन अल्फा ओ दैट इज इक्वल टू द जीरो, अगर ये जीरो का होता है, इट डिटरमाइंस द पोजिशन ऑफ मिनिमम, ये मिनिमम की हो गई, एक्सपेक्ट व्हेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, जबकि अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो, देन इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो ये मिनिमम की एक कंडीशन बनती है मेरी इसके अंदर। तो मिनिमम में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्यों, बिकॉज हमको तो मैक्सिमम निकालना है। हमने क्या निकालना है इसके अंदर, इस पोजिशन में हमने कहां पे निकालना है, ये सेंट्रल पे मेरा क्या आ गया, दैट इज योर मैक्सिमम। अब मैं यहां से मैक्सिमम निकल रहा हूं, सारे मैक्सिमम, और मुझे पी पे भी क्या चाहिए, दैट इज योर मैक्सिमम, इन मैक्सिमम्स का रेशियो निकाल रहा हूं मैं बैठ के, राइट। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, एक्सपेक्ट दिस वैल्यू, राइट। सो मैं किस वैल्यू को लूंगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू जीरो, यानी मींस अल्फा इज इक्वल टू दैट इज योर टेन ऑफ अल्फा। So, ये जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को मैं एक ग्राफ के थ्रू एक कर्व प्लॉट करूंगा, राइट। दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग द कर्व से लूंगा। तो इसको मैं अगर ब्रेक करता हूं तो y इज इक्वल टू अल्फा, और दूसरी बन जाती है मेरी y इज इक्वल टू
टेन अल्फा, यानी इसी इक्वेशन को, ये जो मेरी इक्वेशन आई अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा को, इसको ही मैंने दो में ब्रेक कर दिया ग्राफ प्लॉट करने के लिए, वाई इज इक्वल टू अल्फा और दूसरा वाई इज इक्वल टू मेरा आ गया टेन अल्फा, इसके अंदर ले लिया। अब मैं इनका ग्राफ कैसे प्लॉट करूं, फॉर द ग्राफ राइट ये मैं वाई एक्सिस ले लेता हूं राइट, और ये मैं अल्फा ले लेता हूं राइट। सो ये जो है मैं एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एंगल ऑफ 45 डिग्री राइट, तो वाई इज इक्वल टू अल्फा हो गया मेरा राइट, और y इज इक्वल टू एल्फा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री पर मेरा हो गया ठीक है। और अगर मैं इसका ये वाली लेता हूं y इज इक्वल टू टेन एल्फा, तो मुझे क्या मिलेंगे, एसिम्प्टोट्स मिलेंगे इसके अंदर से लाइक दिस, y इज इक्वल टू टेन एल्फा पे राइट। तो पहला दैट इज योर पाई बाई टू राइट, दूसरा मैं लेता हूं दिस बिकम पाई, सो दिस इज योर थ्री पाई बाई टू राइट, देन अगेन राइट दिस इज योर टू पाई, दिस इज योर फाइव पाई बाई टू, ये क्या है मेरे वाई इज इक्वल टू टेन अल्फा एस एम टूर्स, वाई इज इक्वल टू टेन अल्फा, ये जो ये एस एम टूर्स मेरे बनते चले जाएंगे इसके अंदर से ठीक है। सो वाई इज इक्वल टू अल्फा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, व्हेन द एक्सिस एंड द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू टेन अल्फा दैट रिप्रेजेंट्स अ डिसकंटिन्यूअस कर्व्स हैविंग द नंबर ऑफ द ब्रांचेस विच फॉर्म्स एन एसिम्प्टोट्स एट द इंटरवल ऑफ पाई, पाई का इंटरवल होता चला जाता है। फॉर ऑल पर्टिकुलर पर्पज द मैक्सिमम, जो मेरा मैक्सिमम आया मेरा दैट इज योर मैक्सिमम दैट इज अल्फा इज इक्वल टू जीरो थ्री पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू और सो ऑन, मेरा ये मैक्सिमम आया इन वैल्यूज के लिए। अब द इंटेंसिटी, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी देखूं, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम, मैक्सिमम देखता हूं तो आई वन, आई वन दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और फॉर्मूला मैंने पिछला यूज करा है दैट इज योर साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं थ्री पाई बाई टू बाई अल्फा थ्री पाई बाई टू का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहां से आया मेरा, ये फॉर्मूला मेरा कहां से आया दैट इज योर आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला वहां से आया हुआ है मेरा, जो कि मैंने प्रीवियस के अंदर इसको निकाल के समझाया हुआ है, ये मैंने समझाया हुआ है इस फॉर्मूले के अंदर राइट। और आई नॉट की जगह जो है मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू ले रखी। अब मैं इसको पूरा अगर सॉल्व करता हूं इस इक्वेशन को, तो इट गिव्स यू फोर बाई नाइन पाई स्क्वायर आई नॉट राइट। सिमिलरली आई टू निकालता हूं मैं, तो इट गिव्स यू ए स्क्वायर साइन फाइव बाई टू ओवर फाइव बाई टू होल स्क्वायर, एंड इट गिव्स यू फोर बाई ट्वेंटी फाइव पाई स्क्वायर दैट इज योर आई नॉट, ये आई नॉट तो सेकेंडरी मैक्सिमम आ गया। सिमिलरली मेरा ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मैक्सिमम के लिए निकालें अगर आई थ्री के लिए, तो आई थ्री भी मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर साइन सेवन पाई बाई टू बाय सेवन पाई बाई टू का होल स्क्वायर, एंड इट गिव्स यू फोर बाई फोर्टी नाइन पाई स्क्वायर आई नॉट। तो मेरे तीनों ही मैक्सिमम्स ये मेरे आ गए जो मुझे इसमें चाहिए थे, तो मेरा रेशियो आ गया वन इज टू फोर बाई नाइन पाई स्क्वायर इज टू फोर बाई ट्वेंटी फाइव पाई स्क्वायर इज टू फोर बाई फोर्टी नाइन पाई स्क्वायर एंड सो ऑन, ये मेरा आंसर हैंस मेरा प्रूव्ड हो गया कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज का रेशियो निकाल लिया मैक्सिमम इंटेंसिटीज का, जो कि मेरा रेशियो यहां पर आना था, ये
जो सेंट्रल मैक्सिमम के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मैक्सिमम आ रहे थे मेरे, उन मैक्सिमम पे पी पॉइंट तक मेरा 1:4/9, 5/4/25 पाई स्क्वायर, 4/49 पाई स्क्वायर का मेरा ये जो था रेशियो मेरा निकल गया, राइट। सो माई डियर स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। ये कंप्लीट क्वेश्चन मेरा बन जाता है पूरा। जो आपको डिस्क्राइब करना है वो यहां से डिस्क्राइब करना है, इसका फिगर थ्योरी पार्ट आपको बताना है, पार्ट डिफरेंस बताना है, फेज डिफरेंस बताना है, इसका वेक्टर और पॉलीगॉन मेथड से इसकी आई इंटेंसिटी निकालना है, मैक्सिमम बताना है कि मैक्सिमम सेंट्रल पे हमारी कैसे होती है, साइन थीटा डेट इज इक्वल जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो जो मैक्सिमम हो जाता है, देन आई नॉट की वैल्यू जो मैंने लिया है इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है दोबारा, डिफ्रेंशिएट करके फिर अगेन ये मिनिमम की कंडीशन आती है, हमें मैक्सिमम चाहिए क्योंकि हमें मैक्सिमम इंटेंसिटीज निकालना है, दैट इज साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यूज जो हम लेंगे तो मिनिमम आएगा तो इसके कंसिडर करना है, इसको कंसिडर करेंगे तो हम दो इक्वेशन निकालेंगे हमारी वाई इज इक्वल टू अल्फा एंड वाई इज इक्वल टू टेन अल्फा, कन्वर्ट करेंगे, ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे हमारी जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये एट द एंगल ऑफ 45 वाई इज इक्वल टू अल्फा पे है, और वाई इज इक्वल टू टेन अल्फा पे हमें जो है आपकी डिसकंटिन्यूअस कर्व यानी कि एसिम्प्टोट्स मिलते चले जाएंगे, और जो कि मैक्सिमम वैल्यूज हमारी 0, 3π/2, 5π/2 और सो ऑन, इन वैल्यूज को अल्फा की वैल्यूज को हम इंटेंसिटी के फॉर्मूले में रखेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये रेशियोज निकल के आएगा, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द डिफ्रैक्शन, राइट। ओके, थैंक यू।